हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नुसरत पटेल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेसिक ग्रेवी। तो बेसिक ग्रेवी ऐसी है, आप इससे नॉनवेज या फिर वेज कोई भी सब्जी बना सकते हो। जो होटलों में ग्रेवी बना के रखी जाती है वही ग्रेवी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लेकर इसे मोटा मोटा काट लिया है, और छोटे साइज के टमाटर थे 5 से 6, इसे भी मैंने 1 टमाटर के 4 पीस किए हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है 6, और यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं 10 से 15 काजू है ये, और यहाँ पर मैंने बादाम लिए है 5। तो ये बादाम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए या इसे स्किप भी कर सकते हो। ये ग्रेवी से आप नॉन वेज या वेज कोई भी सब्जी बना सकते हो। बटर पनीर भी बना सकते हो, चिकन की कोई चीज भी बना सकते हो, या मटन की भी बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 1/2 बादियान का फूल, 1 मसाला इलायची, और 4 से 5 है हरी इलायची, और यहाँ पर मैंने जावित्री का फूल लिया है, 1/2 को भी कम लिया है। अब इसमें मैं कढ़ाई में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, और इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाले। तो मैं इसे डायरेक्ट मिक्सर के पॉट में इसे निकाल लूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, प्याज को हल्की सी नरम कर लेंगे। एक बार प्याज हमारी थोड़ी नरम हो जाए उसके बाद हम दूसरी चीजें डालेंगे। प्याज हल्की सी नरम हो गई है, अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, हरी मिर्च, और हमारे काजू और बादाम। और इसे जल्दी से नरम हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगी 1/2 चम्मच नमक। और यहाँ पर जो मैंने गरम मसाले तलकर निकाले थे इसे मैंने मिक्सी में एक बार पीस लिया है। गरम मसाले जल्दी से अच्छे अच्छे पीसे नहीं जाते सब एक साथ रहने के बाद। प्याज टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। मैं डाल दूंगी हरा धनिया। तो हरा धनिया आपको अगर डंठल मिलते हैं हरे धनिए के तो आप वही डालिए, हरा धनिया डालना ऐसा जरूरी नहीं है, मगर डंठल जरूर डालिए, डंठल अगर उसके मिलते हैं तो। और यहाँ पर मैं 1 बड़ा टेबल स्पून भरकर डालूंगी कस्तूरी मेथी इस तरह से। अब इसे ठंडा कर लेंगे और सब एक साथ पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिक्सर के जार में इसे सब डाल दिया है। और अगर आपके पास साबुत वाली अदरक और लहसुन हो तो आप वो ऐड कर दीजिए। मेरे पास साबुत वाली नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पर पेस्ट ऐड करूंगी, मगर इसे एक बार पीसने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है, अब इसमें मेरे पास अदरक लहसुन है तो मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूंगी। और साथ ही में मैं अब इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच डालूंगी इसमें भुना जीरा पाउडर,
अब इसे एक साथ पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने पीस लिया है। तो चलिए, मैंने मसाला एक डब्बे में निकाल कर रख दिया है और मिक्सी के जार में मैंने थोड़ा सा मसाला रखा है अंडा ग्रेवी बनाने के लिए। आपको दिखानी है अंडा ग्रेवी। तो यहाँ पे इसकी प्याज एकदम बारीक चॉप कर ली है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब इसमें मैं डालूंगी एक छोटे से इसकी प्याज जो बारीक चॉप की हुई है। और इसी के साथ डालूंगी इसमें आधा चम्मच जीरा। तो देखिए, जैसे ही प्याज हल्की ब्राउन हो गई तो हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। और यहाँ पर मैंने पाउडर मसाले लिए हैं। तो पाउडर मसाले यूं है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच को भी कम लिया है मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 की इतना लिया है हींग, और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है गरम मसाला पाउडर, ये भी डाल देंगे इसमें। जैसे ही मसाले पक जाए पाउडर मसाले तो हम डाल देंगे इसमें पिसा हुआ बेसिक ग्रेवी। साथ ही में डाल देंगे इसमें पानी। मसाले को पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मसाले में मैं डालूंगी 1/4 से भी कम डालूंगी मैं इसमें शहद। इसमें मैंने डाल दिया है शहद। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं तेल छूटने तक मसाला पकने दूंगी। 1/4 की इतना ही आपको शहद डालना है इसमें। इसे हमें बीच बीच में हिलाते रहना है। इसमें काजू और बादाम का पेस्ट है तो ये नीचे जलने के और लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले में तेल अच्छे से छूट गया है। अब इसे अच्छे से हिलाकर अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए और बचा हुआ पानी इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के हिसाब से। पानी डाल दूंगी इसमें ग्रेवी के हिसाब से। इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच कसूरी मेथी। ये यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करके रखे थे, तो अंडे आप अपने हिसाब से काट कर डाल सकते हो, या चाहे तो आप अक्खे अक्खे अंडे को भी कट मार कर रख सकते हो, या फिर अंडे की 4 पीस भी कर सकते हो, या फिर अंडे के आप 2 पीस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक अंडे के 3 पीस किए हैं और बीच में की जर्दी ऐसी ही रखी है। और यहाँ पर मैंने एक जर्दी इस तरह से लेकर हाथ में इस तरह से इसमें तोड़कर डाल देनी है। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा रिचनेस और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ही अगर आप नहीं भी डालते हैं तो ठीक है, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। मसाला ही इसका बेसिक मसाला ही बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बॉईल अंडे और यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी
हरा धनिया, ये ऐसी ही ग्रेवी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे स्टीम राइस के साथ खाइए या फिर परोठे के साथ भी खा सकते हो, या फिर आप इसे तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार जरूर मेरे बेसिक ग्रेवी मेरे तरीके से बनाकर देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बेसिक ग्रेवी मैंने मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई है, मगर आपको अगर व्हाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी या फिर आपको चॉप ग्रेवी देखनी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ग्रेवी चार टाइप की आती है, तो यहाँ पर मैंने येलो ग्रेवी बनाई थी, तो ये येलो ग्रेवी की रेसिपी मैंने दी है। अगर आपको या फिर व्हाइट ग्रेवी या चॉप ग्रेवी देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आपको आपके साथ मैं वो भी शेयर करूंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।